हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर है, स्ट्रक्चर जिसे हम टोज भी कहते हैं, एंड उसका एक चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके फोर्थ सेम में आता है, एंड जो बीटेक कर रहे हैं उनके थर्ड सेम में का ये मोस्ट में आता है उनका। तो ये जो टॉपिक है ये बिलोंग्स करता है SBT झारखंड, बिहार, UP, प्लस जो बीटेक कर रहे हैं उनके, और इनसे जो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो SSC, JEE, RRB, JEE, PSU, DMRC एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, बहुत ही ईजी वे में हम कवर करेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखेंगे स्लोप ऑफ द बीम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिफोर लोडिंग ये जो बीम का जो शेप था एकदम स्ट्रेट था, बट आफ्टर लोडिंग ये W पॉइंट लोड यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो ड्यू टू लोडिंग ये क्या हो गया, जस्ट एज ए कर्व जो है ये एक कर्व बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो कहीं भी अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो कर्व बना है आफ्टर लोडिंग, तो उस कर्व पे हम जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है स्लोप, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस क्या है कि आपका जो बीम है इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जस्ट एज एक्स एक्सिस ही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो स्लोप ऑफ द बीम मीन्स इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मैंने ड्रा किया जहाँ पे मुझे चाहिए था स्लोप, एंड इसी पॉइंट से होता हुआ एक लॉन्गिट्यूडनल एक्स एक्सिस बिफोर लोडिंग जो बीम का था वो ड्रा किया, इसके बीच का जो एंगल होगा वही मान लीजिए पी पॉइंट है, तो ये पी डैश हो गया, तो ये आई पी, तो आई पी क्या हो गया, स्लोप ऑफ द बीम एट पॉइंट पी। ठीक है, ड्यू टू लोडिंग। तो स्लोप होता है क्या, तो स्लोप में भी डिफाइंड है एज, स्लोप में भी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बीम एंड टेंजेंट ड्रॉन एट कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ गया, स्लोप क्या है कि एंगल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे जो कर्व है इसी कर्व पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, इसके बीच का एंगल को हम स्लोप कहेंगे। तो चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इसलिए दोनों एंड पे रोटेशन एलो है, तो यहाँ पे भी इस एंड पे भी एक स्लोप होगा है ना, यहाँ पे टेंजेंट मैंने खींचा तो ये आई ए, और यहाँ पे भी स्लोप टेंजेंट मैंने खींचा इस तरह से तो ये आई बी। आई ए मतलब स्लोप एट एंड ए, एंड आई बी मतलब स्लोप एट एंड बी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल से थिंग है, मान लीजिए बिफोर लोडिंग इस पॉइंट का ये पोजीशन था पी, आफ्टर लोडिंग ये कर्व फॉर्म करता है और ये पॉइंट जो है डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ पे आता है, तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट का है ना, तो ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट पॉइंट पी। तो डिफ्लेक्शन बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट आफ्टर लोडिंग, यानी कि लोडिंग किसी भी पॉइंट पे अगर हमें किसी बीम पर अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो,
तो हम देखेंगे कि बिफोर लोडिंग उस पॉइंट का क्या पोजीशन था एंड आफ्टर लोडिंग वो वर्टिकली डिस्प्लेस्ड होके कितना वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हुआ। तो वही जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्या कहलाएगा, उस बीम का उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टिफनेस ऑफ बीम। तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, दिस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट टू द स्लोप एंड वी कैन से वी कैन डिफाइन दिस टर्म एज लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट यूनिट डिफ्लेक्शन। मतलब कि यहाँ पे अगर रोटेशन हो रहा तो यूनिट रोटेशन होने में जो मोमेंट रिक्वायर्ड है उसे हम बोलेंगे स्टिफनेस। या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू लोड के कारण अगर वाई सी डिफ्लेक्शन हुआ तो यूनिट यूनिट डिफ्लेक्शन होने के लिए, है ना, एक यूनिट डिफ्लेक्शन होने के लिए कितने लोड की ज़रूरत होगी उसे हम स्टिफनेस कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो तीन सिंपल सिंपल डिफिनेशन थे, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड स्टिफनेस ऑफ बीम, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया तो लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।